नमस्कार दोस्तों, यह एक रीजनिंग का टेस्ट है जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका रिवीजन करा सकता है। आप इस टेस्ट को सोल्व करो और कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर बता सकते हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में असमर्थ हो तो आप मेरे से कमेंट्स में मैसेज करके उसका आंसर और ट्रिक भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या आएगी? आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 5, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? आप इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं और नहीं पता चले तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो मैसेज करके कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 7, 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? क्वेश्चन नंबर 8, मनी की आयु प्रभु से 2 गुनी है, रमोना की आयु प्रभु से आधी है, यदि मनी 60 वर्ष का है तो रमोना की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक संतरे की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है, श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, नीचे एक पासे को 3 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है, आपको बताना है 3 के विपरीत सतह का अंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जमा है और भाग का अर्थ है घटा, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो, उसकी संख्या बताइए। आपको समझना है, पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? और क्वेश्चन नंबर 15, आपको ये डैश डैश जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, यदि KNIFE को MPKHG लिखा जाए तो DTGCF को क्या लिखा जाएगा? आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विषम शब्द सुनिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा डिफरेंट है, और ये 20 क्वेश्चन आप करने के बाद कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। मैं इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप मैच भी कर सकते हो। थैंक यू।